हेलो यूअर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देशी गोल्डन में। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि आप किसी भी व्हीकल या मोटरसाइकिल हो या कोई भी गाड़ी हो उसके ओनर यानी कि मालिक का किस तरह से पता कर सकते हो ओनली 2 सेकंड में, वो भी अपने एंड्रॉयड फ़ोन से। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा प्रोसेसिंग बताने वाले हैं और इस प्रोसेसिंग में जो आपको हम बताने वाले हैं इसमें आप डीजल और पेट्रोल का प्राइस भी पता कर सकते हैं। कोई भी स्टेट क्यों ना हो, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, कोई भी स्टेट हो, वहाँ पर पेट्रोल का प्राइस भी आपको दिखाई देगा और 2 सेकंड में आप किसी भी गाड़ी या व्हीकल, कोई भी व्हीकल क्यों ना हो, या बड़ी गाड़ी हो या कोई भी कार हो या बाइक हो, उसके ओनर का पता कर सकते हैं ओनली 2 सेकंड में। तो दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करती हूँ, चलिए सीधा मैं आपको ले चलता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले ओपन करना होगा आपको अपने फ़ोन का प्ले स्टोर, जैसे मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ, और प्ले स्टोर के सर्च बॉक्स में आपको लिखना होगा कार इन्फॉर्मेशन। जैसे कि मैंने ऑलरेडी पहले सर्च किया है, तो यहाँ पर मैं जैसे ही इस पर क्लिक कर लेता हूँ तो आपको दिखाई देगा इस तरह का इंटरफेस, जो कि तीसरे नंबर का जो ऐप है RTO व्हीकल इन्फॉर्मेशन, जिसकी जो स्टार रेटिंग है वो है 4.6। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो मैं इसको डायरेक्टली ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे दिखाई देगा। सबसे पहले अपर साइज में यहाँ पर होम है, उसके बाद डिस्कवर, उसके बाद माय प्रोफाइल, उसके बाद हम नीचे आते हैं जैसे RC रिसर्च बाय नंबर प्लेट। यहाँ से आप अपनी गाड़ी के नंबर से ही ओनर का पता लगाया जा सकता है कि इस गाड़ी का ओनर कौन है। इसके बाद आते हैं हम सेकेंड लाइसेंस सर्च पैन इंडिया, यहाँ से आप किसी के लाइसेंस को पता कर सकते हैं ये ओरिजिनल है या नहीं, वो भी उसके सिर्फ पैन कार्ड के नंबर से। इसके बाद हम ऑप्शन 3 पर आते हैं, ओनर नाम सर्च गेट व्हीकल डिटेल। इसके बाद आप किसी का व्हीकल का ओनर का नाम पता लगाया जा सकता है, जैसे वहाँ पर नाम उसका डालिए, उसके बाद उसके स्टेट डालिए, उसके बाद सिटी, इस तरीका से बहुत से नाम आ जाएंगे। बाकी आपको उसके पिता और बाकी गांव का पता होना चाहिए, इस तरीका से भी आप इसके ओनर का पता लगाया जा सकता है। इसके बाद नंबर 4 पर यहाँ पर जिसको भी आप देखते हैं उसको यहाँ पर सेव कर सकते हैं। इसके बाद जैसे हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर जैसे मैं पलवल हरियाणा से हूँ, जो कि आज तारीख है 30 मार्च 2019, जो कि यहाँ पर पेट्रोल का जो प्राइस है आज यहाँ पर वो है 72.91। इसके बाद जो डीजल का प्राइस है 65.53, और यहाँ से आप अपनी सिटी का भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी सिटी का आप डीजल और पेट्रोल का प्राइस दे सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों, हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पर, जब हम बात करने वाले हैं कि आप किसी भी नंबर से किसी की गाड़ी या मोटरसाइकिल के व्हीकल के ओनर का कैसे पता लगाया जा सकता है, वो भी ओनली 2 सेकंड में। जैसे ही मैं RC रिसर्च पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको उस गाड़ी का नंबर डालना होगा जिसका आपको मालिक का पता लगाना है कि इसका मालिक कौन है। जैसे ही मैं नंबर डाल लेता हूँ 5785, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ आपको कुछ ऐड देखने को मिल सकती हैं। जैसे ही मैं सर्च पर क्लिक करता हूँ तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। कुछ समय बाद आपको ओनर की पूरी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, जैसे आ गई है इरफान, जो यहाँ का इसका नंबर है, फर्स्ट ओनर है यहाँ पर। इसके बाद मारुति सुजुकी इंडियन LTD LVM शिफ्ट VDI। इसके बाद वाइट कलर है, डीजल में है। इसके बाद सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं किसी भी व्हीकल की। जैसे कि मैं आपको अगेन एक अपनी बाइक का नंबर डाल लेता हूँ, जैसे जैसे मैं सर्च के बॉक्स पर क्लिक करता हूं तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। कुछ समय बाद आपको बाइक की डिटेल आ जाएगी, जैसे इरफान फर्स्ट ओनर है, हिंदुस्तान मोटर्स फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यहां से इस बाइक को निकाला गया है जिस एजेंसी से। इसके बाद इसका पेट्रोल में है इसको। इसके बाद इस तरह से आप किसी भी व्हीकल की नंबर के साथ उसको ओनर का पता लगाया जा सकता है, वो भी अपने एंड्रॉयड फ़ोन से ओनली 2 सेकंड में। यदि आप
इस ऐप को यूज करना चाहते हैं और किसी भी ओनर को पता लगाया जा सकता है कि ये किसकी गाड़ी है, और आप भी चाहते हैं कि किसी की गाड़ी है, कौन इसका ओनर है, तो इस ऐप को मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्टली वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इस तरह आप किसी भी ओनर का पता लगाया जा सकता है कि ये किसकी गाड़ी है किसकी नहीं है। दोस्तों बताने को तो इसमें बहुत कुछ है अभी भी, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने जो इसमें मेन पॉइंट थे वो आपको बता दिए। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे हमें अगली वीडियो बनाने के लिए बहुत ही मोटिवेशनल मिलता है, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे फ़ायदा यह होगा जब भी हम नई वीडियो डालेंगे आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल देशी गोल्डन को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे फ़ायदा यह होगा जब भी हम नई वीडियो डालेंगे तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। और मैं अब रोज़ाना इस चैनल पर टेक्नोलॉजी और एजुकेशन से रिलेटेड एक या दो वीडियो पर डे अपलोड किया करूँगा, इसलिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएँ, जिससे आपको तुरंत पता चल जाएगा जब भी मैं इस चैनल पर नई वीडियो अपलोड करूँगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।